दोस्तों नमस्कार। रामायण कथा में सीता का निर्वासन। प्रातः काल बड़े उदास मन से लक्ष्मण ने सुमन से सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। उसमें सीता जी के लिए एक सुमन्य आसन लगाने का भी आदेश दिया। सुमंत के पूछने पर बताया कि उसे जानकी के साथ महर्षियों के आश्रम पर जाना है। रथ आ जाने पर लक्ष्मण सीता जी के पास जाकर बोले, देवी आपने महाराज से मुनियों के आश्रम में जाने की अभिलाषा प्रकट की थी, अतएव मैं महाराज की आज्ञा से तैयार होकर आ गया हूँ ताकि आपको गंगा तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रमों तक पहुँचा सकूँ। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता जी प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ चलने की तैयार हो गई। मुनि पत्नियों को देने के लिए उन्होंने अपने साथ बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न रख लिए। उन दोनों को रथ पर सवार कराकर सुमंत द्रुत गति से रथ को वन की ओर ले चला। मार्ग में सीता लक्ष्मण से कहने लगी, वीरवर मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, मेरी दाई आँख फरक रही है, शरीर कांप रहा है, हृदय अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई कुशल तो है ना, मेरे सब सासुएं सानंद तो है ना। सीता की अधीर वाणी सुनकर लक्ष्मण ने अपने मन की उदासी दबाकर उन्हें धैर्य बंधाया। गोमती नदी के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन्होंने रात व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः काल वे आगे चले और दोपहर तक गंगा तट पर जा पहुँचे। गंगा की जलधारा को देखते ही लक्ष्मण के नेत्रों से जलधारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। सीता ने चिंतित होकर उनसे रोने का कारण पूछा। लक्ष्मण ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और रथ से उतरकर नौका पर सवार हो सीता सहित गंगा के दूसरे तट पर जा पहुँचे। गंगा के उस तट पर नौका से उतरकर लक्ष्मण सीता से हाथ जोड़कर बोले, देवी आज मुझे बड़े भैया ने वह कार्य सौंपा है जिससे सारे लोक में मेरी भारी निंदा होगी। मुझे यह बताते हुए भारी पीड़ा हो रही है कि अयोध्या में आपके लंका प्रवास की बात को लेकर भारी अपवाद फैल गया है। इससे अत्यंत दुखी होकर महाराज राम ने आपका परित्याग कर दिया है और मुझे आपको यहाँ गंगा तट पर छोड़ जाने का आदेश दिया है। वैसे यह स्थान सर्वथा निरापद है क्योंकि यहाँ महायशस्वी महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। आप यहाँ उपवास परायण आदि करती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करें। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर जनक नंदिनी को ऐसा आघात लगा कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चेतना आने पर बोली, लक्ष्मण क्या विधाता ने मुझे जीवन पर्यंत दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न किया है? पहले मुझे राघव से अलग होकर लंका में रहना पड़ा और अब उन्होंने मुझे सदा के लिए त्याग दिया। लक्ष्मण मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि मुनि जन मुझसे यह पूछेंगे कि तुम्हें श्री राम ने किस अपराध के कारण त्यागा, क्या जवाब दूंगी? मेरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गंगा जी में डूबकर अपने प्राण विसर्जन नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है जाओ, तुम लौट जाओ और सबसे मेरा सादर प्रणाम कहना। सीता जी से आज्ञा लेकर अत्यंत दुखी मन से लक्ष्मण मृत प्राय शरीर को ढोते हुए रथ पर बैठे और बैठते ही मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर वे फिर आंसू बहाने लगे। उधर सीता विलाप करती हुई चित्कार करने लगी। दो मुनि कुमारों ने सीता को इस प्रकार विलाप करते देखा तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के पास जाकर इसका वर्णन किया। समाचार सुनकर वाल्मीकि जी सीता जी के पास पहुँचे और बोले, पतिवर्ते मैंने अपने योग बल से जान लिया है कि तुम राजा दशरथ की पुत्र वधु और मिथिला नरेश की पुत्री हो। मुझे तुम्हारे परित्याग की बात भी मालूम हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे आश्रम में चलकर अन्य तपस्विनी नारियों के साथ निश्चिंत होकर निवास करो, वे तुम्हारी यथोचित देखभाल करेंगी।
मुनि के वचन सुनकर सीता ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और महर्षि के आश्रम में आकर रहने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।